थोड़ा सा शायद है जिसको ये है कि इसमें दही डालता है ऊपर से। वो बचपन से खा रहे हैं, अच्छा है, मैं आ रहे क्वालिटी है। बस ये समझ लें कि पूरे कराची में कहीं की भी जो ना मतलब हलवा पूरी समझ में नहीं आती सिवाय इसके अलावा। बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है और हलवा इनका बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी होती है कि मज़ेदार होती है, इसलिए मैं रहती कराची यूनिवर्सिटी पे हूँ लेकिन वहाँ से लेने के लिए आई हूँ। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रजा सुहानी। कराची वालों का फेवरेट नाश्ता अगर कहा जाए हलवा पूरी है तो गलत ना होगा। और कराची में कई मकाम ऐसे हैं जहां पे बेहतरीन हलवा पूरी मिलती है और शहर के कई हिस्से हैं जहां पे म्यारी और अच्छी और सस्ती हलवा पूरी मिलती है। लेकिन अगर हम सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे वाटर पम्प पे नासिर की हलवा पूरी बहुत मशहूर है, नासिर की बेकरी बहुत मशहूर है और ये तकरीबन 50 साल से बेकरी कायम है। और यहाँ पे सुबह 5 या 6 बजे के करीब हलवा पूरी फरोख्त होना शुरू होती है और दोपहर 2 बजे तक ही हलवा पूरी फरोख्त होती है। इतवार को भी इतना ही रश होता है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं यहाँ पे इतवार वाले दिन और लोगों से बात करते हैं हलवा पूरी कैसे बनती है, इनके जो ओनर्स हैं इनके बनाने वाले हैं इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जायका कैसा है, तो खुद खा के भी देखते हैं और आपको बताते हैं हलवा पूरी कैसी होती है। ये 1966 में बनी हुई है, ये यहाँ कराची में ताल्लुक इसका है, यहाँ का है। ये नासिर साहब के आयात है, उसका भाई अभी बड़ा शाकिर साहब है, वो दुकान संभाली कर रहा है। उससे पहले दुकान जब बनी उसका बाप आरिफ नाम था, अबू का नाम, पहले आरिफ चला था, फिर नासिर साहब और शाकिर साहब है, अब उसके बेटे भी संभाल रहे हैं, बड़े साहब भी आ रहे हैं, उसके बेटे अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर जी। ये आगाज उसी साथ करा पूरी हलवा दुकान के साथ जी। हमारे पास हलवा पूड़ी है और चिकन कचौरी भी है, अरबी पराठे भी है, मालपुड़ा भी है, पूरी के साथ रायता अचार भी दिया जाता है और मटरी भी होती है, चिकन पेडिस होते हैं, केमे वाले पेडिस भी होते हैं नाश्ते में। हलवा हम सूजी से बनाते हैं, सूजी होती है जी, देसी घी का होता है सूजी, उसमें ज़ाफ़रान भी डालते हैं। चने हमारे मसाला यहाँ बनते हैं, हमारा अपना मसाला वसाला खुद हम बनवाते हैं, मसाला हमारे अपने कारीगर पुराने कारीगर भी हैं। संडे में हम 4 बजे से लेकर 2 बजे तक होते हैं, आम दिनों में 5 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। अभी फिलहाल 45 रुपये की पूड़ी हमारी है। पहले शुरू तो बहुत सस्ती होती थी, अब जैसे रेट बढ़ रहा है उसी हिसाब से माल बढ़ रहा है, उसी हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। ख्याल में बचपना हो गया हमारा, जब से खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है कि मज़ेदार होती है, इसलिए मैं रहती कराची यूनिवर्सिटी पे हूँ लेकिन वहाँ से लेने के लिए आई हूँ। और एक तो है कि सफाई का इनका मैार बहुत अच्छा है, इनकी हर चीज़ अच्छी होती है। हमारी तो कोई भी तकरीब हो, शादी हो, कुछ भी हो,
तो हम यहीं से मिठाइयाँ भी जाती हैं, और फिर अगर कुछ इस तरह की गैदरिंग हो के लोग इकट्ठा हुए हुए नाश्ता कर रहे हैं तो फिर हलवा पूरी और कचौरियाँ इनकी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। टेस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि छोलों की वजह से लोग जो है वो आते हैं, तो इसके छोले सबसे बेहतरीन है। प्लस ये एक थोड़ा सा शायद है जिसको ये है कि इसमें दही डालता है ऊपर से, प्लस छोले के अलावा जो इसका हलवा है वो ओवरऑल जितने भी हलवा पूरी वाले उनमें सबसे बेस्ट है। महंगी कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो इतनी तो नहीं, 45 रुपये की एक पूरी दे रहा है, तो बाकी जगहों पर जो नॉर्मल ठिए लगे हैं वो भी 35 और 40 की दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो इतनी महंगी नहीं है। सर्विस बेहतरीन है, सेल्फ सर्विस है, उसके बाद जो है आप मिड ऑफ द मील अगर आप उनको ऑर्डर करेंगे तो वो लेके आ जाते हैं। जैसा अभी हमने 4 पूरी का ऑर्डर दिया तो वो बीच में ले आएगा। हम लोग तो हर संडे सुबह से आते हैं यहाँ पे, हम लोग सारे कुलीग्स हैं, ऑफिस वगैरह घर वाले यहाँ पे इसलिए आते हैं। यहाँ का टेस्ट क्वालिटी और गुड फूड है, वह बचपन से खा रहे हैं, अच्छा है, मेयार है, क्वालिटी है, तो अच्छी चीज़ है और आगे भी आते रहेंगे। जैसा कि बताया है इन्होंने यहाँ सब अच्छा है, तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, एनवायरनमेंट वगैरह भी अच्छा है, यहाँ पे फैमिली वगैरह के लिए भी अंदर जगह है। बस ये समझ लें कि पूरे कराची में कहीं की भी जो ना मतलब हलवा पूरी समझ में नहीं आती सिवाय इसके अलावा। इसकी सबसे अच्छी बात सिर्फ हम चने की तरकारी खाते हैं इसकी, और चने की तरकारी बड़ी ज़बरदस्त इसकी होती है और पूरी इसकी बड़ी हल्की होती है। देखें जब आप खाने के लिए जाते हैं तो सस्ती कौन सी चीज़ें मुझे ये बताएं, क्या बिरयानी आप जो खाते हैं, आप बिरयानी 300 वाली भी खाते हैं और बिरयानी 100 रुपये वाली भी खाते हैं, लेकिन फ़र्क आपको पता है? तो लिहाजा इसी तरीके से थोड़ा सा है तो सही, लेकिन मेयर भी है, साफ़ सुथरा भी है, बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, और हलवा इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, हलवे का फ़र्क होता है, पूड़ियों का फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ की अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है यहाँ की। जी बहुत मज़े की होती है, इसकी सारी चीज़ें अच्छी होती है। मेरे लिए खास बात यह है कि इसकी पूरी जो है वो सुखड़ती नहीं है, नरम रहती है इसकी पूरी, बाकी अगर पूरी आप खाओ तो वो कुछ देर बाद सुखड़ जाती है, वो पापड़ बन जाती है एक तरीके से। हलवा और तरकारी बहुत अच्छी है इसकी, छोले का जो सालन है वो भी बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी अर्से के बाद आया हूँ, पहले जब आया था जब तो सही थी, आज काफ़ी अर्से के बाद आने का इत्तेफाक हुआ है। यार वो नहीं टेस्ट है ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लेना भी रोज़ तो लेता ही नहीं आदमी, यानी संडे संडे आप कर सकते हैं आप, उसके अलावा तो रोज़मर्रा तो बिल्कुल है ही नहीं। बहरहाल अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है चने का सालन।